अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माई चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे और हैप्पी भी होंगे। तो अभी हम लोग पीने लगे हैं ये फ्रेश ऑरेंज जूस, जो कि अभी हमारा नाश्ता हो जाएगा। सो इसके बाद हमें निकलना है, ग्रॉसरीज लेने जाना है, क्योंकि कल से कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। 10 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन है, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस एकदम से आना शुरू हो गए हैं। डेली बेसिस पे 50+ आ रहे हैं, 40, 50, 60 यही रेशो है लास्ट फ्यू डे से। और अब कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, तो इसका मतलब है शायद अब हम लोग ग्रॉसरीज भी ना लेने जा सकें। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज जाके मैं ले आती हूँ, क्योंकि 22 के बाद 24 या 23 को यहाँ पर इंशाल्लाह ओमान में पहला रोज़ा भी होगा। सो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए और रमज़ान को माइंड में रखकर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, क्योंकि मुझे रमज़ान की भी प्रिपरेशन करनी है। कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी कि बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम लोग ये रमज़ान गुजारें। क्योंकि आई नो कि इस महीने से लेकर अगले महीने तक भी होपफुली लग तो ऐसा ही रहा है कि लॉकडाउन रहेगा और इन्हीं हालात में हमें अपने रोज़े रखने होंगे। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखकर मैं इंशाल्लाह आई विल शेयर माई रेसिपीज़ विद यू गाइस, जो भी बेसिक्स होती हैं। तो अभी उसी के लिए मुझे सामान लेना है थोड़ा सा, क्योंकि अगर 23 को भी ये लॉकडाउन ख़त्म करते हैं तो नेक्स्ट डे रोज़ा होगा, और 23 को मार्केट्स में क्या होगा, कैसा हाल होगा, आप सबको पता है कि चांसेस हैं कि ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए मैं उस चीज़ को भी माइंड रख के जो बेसिक बेसिक मुझे चीज़ें चाहिए ना, वो मैं ले आऊँगी। अभी मेरे घर में राइस ख़त्म है, कुछ बेसिक सामान ख़त्म है, वो मुझे लेने ही जाना है। साथ में मैं थोड़ा बहुत अपना भी ज़रूरत का सामान ले आऊँगी और मेक श्योर करूँगी कि नेक्स्ट 10 डेज़ तक मुझे घर से ना निकलना पड़े। अभी हम लोगों ने जूस पी लिया है, जो रिमेनिंग बचा है उसको मैं इस ग्लास बॉटल में डालकर फ्रिज में रख दूंगी, और ये बिल्कुल सही रहता है। एक दिन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसको रखेंगे तो इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो बस इसको मैं इस बॉटल में डालती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ और निकलते हैं घर से बाहर। है यहाँ पर एक जगह पर जहाँ पर ढेर सारे परिंदे होते हैं, उनको हम लोगों ने दाना डाल दिया है, फीड कर दिया है। पानी यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा था तो वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया है, दाना हम लोगों ने डाल दिया है, ताकि अच्छा लगता है। क्योंकि अब जैसे कि ये मार्केट जिस जगह पे मैं आई हूँ, यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शॉप्स होती थी, तो यहाँ पर हमेशा पड़ा होता था इनका खाना, इनके खाने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ किसी ने डाला होता था, क्योंकि ये मार्केट साइड पे है। तो मुझे था कि मैं यहाँ पे आके चेक करती हूँ, तो जब मैं आई यहाँ पर बिल्कुल कोई दाना नहीं था, सिर्फ पानी पड़ा था। तो हम लोगों ने इधर दाना डाल दिया है और अभी हम यहाँ से स्ट्रेट जाएँगे मार्केट और वहाँ जाके हम लोग करेंगे, ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे। सो आज फ्राइडे का दिन है, यूजली फ्राइडेज़ पे ये रोड फुल होता है और यहाँ पर रश होता है, और आज का दिन देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि कैसे दिन आ गए, कि बिल्कुल भी रश नहीं है, सब कुछ बंद है, एक अजीब सा वीराना सा है, एक अजीब सी उदासी सी है।
और यकीन करें घर से निकलकर डर सा लग रहा था, एक आपको खौफ आ रहा है घर से निकलकर, क्योंकि जब आप घर के अंदर रहते हैं तो आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि बाहर क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो जो हालात हम लोग बाहर देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी मार्केट्स, ऐसे ऐसे रोड्स जहाँ पर हम लोगों को वेट करना पड़ता था कि ट्रैफिक जाम होता है तो ऑल्टरनेटिव रोड लेना है, या फिर ऐसी मार्केट्स जहाँ पर जाने से पहले हम लोग सोचते थे कि अभी सुबह का टाइम है, अभी नहीं जाना, यहाँ पर रश होगा, अब वो सारी जगहें इतनी खाली हैं कि आपको देख के डर लग रहा है। अभी जिस मॉल में मैं आई हूँ ये मॉल ऑफ मस्कत है, और यहाँ पर फ्राइडेज़ पे बहुत रश होता है कि आपको पार्किंग ढूंढने के लिए आपको 2 से 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल खाली था सब कुछ, और बहुत कम यहाँ पर गाड़ियाँ थी जो कि आई हुई हैं यहाँ पर सिर्फ शॉपिंग करने के लिए। तो एक अजीब सा खौफ आ रहा है हर एक चीज़ को देख कर, एक अजीब सी खामोशी है और उस खामोशी से डर लग रहा है आपको, आपकी रूह काम जाती है। तो खैर इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी सब सही हो जाएगा और हालात ऐसा ही सब बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कभी ज़िंदगी में हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी वक्त आएगा कि दुनिया थम जाएगी, रुक जाएगी और सब कुछ बंद हो जाएगा और हमें अपने घरों में इस तरह कैद होकर रहना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद ये भी है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा और अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतर से बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह, आमीन। तो चलिए अंदर चलते हैं, घर का बेसिक सामान उठाते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मुझे हाइपरमार्केट आने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, ये भी सेफ़ नहीं है लेकिन मजबूरी है, आना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से यहाँ से ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं और घर चलते हैं और आपसे मिलते हैं घर जाकर दोबारा।
सो जी, ग्रोसरीज लेके मैं आ गई हूँ और सुबह सुबह जाने का यही फ़ायदा हुआ है कि मार्केट में बिल्कुल भी रश नहीं था, गिनती के लोग थे और कोई किसी के साथ इंटरेक्शन आपकी नहीं हो रही थी। तो मैं कुकिंग ऑयल लेके आई हूँ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मेरे घर में फ्राइंग हो रही है, फ्राइज़, नगर्स, इस तरह की चीज़ें, तो फिर फ्राइंग में काफ़ी ज़्यादा ऑयल यूज़ हो जाता है। तो इसकी मैं 3 बॉटल्स लेके आई हूँ, इंशाल्लाह भी ये काफ़ी देर, 1 महीना तो निकाल ही जाएंगी। फ्रूट्स लिए हैं और इसके अलावा बेसिक जो घर के स्पाइसेस ख़त्म थे, कुछ मसाले थे, कुछ मुझे रमज़ान की चीज़ें चाहिए थी वो मैंने लिया। और अभी मेरे जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहे हैं, इससे जैसे पिक्चर भी शिवर हो रही है। और इन सब चीज़ों का भी अच्छे से वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद इन्हें मैं रखूँगी। और मार्केट में तो मास्क भी पहना था, ग्लव्स भी पहने थे, उनको वहीं पर उतार के डस्टबिन में मैं फेंक के आई हूँ। गाड़ी में बैठते ही हम लोग सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ करते हैं और जो अल्कोहल वाली वाइप्स होती हैं उससे हम लोग अच्छे से अपने डोर हैंडल्स को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और फिर हम लोग जब घर आते हैं तो फिर दोबारा आके हाथ वॉश करते हैं। तो ये मैं पीटा ब्रेड लेके आई हूँ, पफ पेस्ट्री लेके आई हूँ और इसी तरह जो सामान मुझे भी कमिंग डेज़ में चाहिए वो सब मैं ले आई हूँ। ब्रेड क्रम्स जैसे ख़त्म थे, स्पेगेटी है और सबसे इंपॉर्टेंट पैनाडोल वो भी ख़त्म थी, वो भी मैं लेके आई हूँ। साथ में मस्टर्ड है और इसी तरह की जो भी चीज़ें मुझे अभी कमिंग डेज़ में चाहिए वो मैं सब कुछ ले आई हूँ। सब्ज़ियाँ मैं ऑलरेडी लेके आई हुई थी जब मैं लास्ट वीक गई थी ग्रोसरीज लेने के लिए। और इसके अलावा अब मैं कोशिश करूँगी कि इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन भी कर लूँ। और रमज़ान में आपको पता ही है कि रोज़ा भी होता है लेकिन फिर भी आपकी जो घर में कुकिंग होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन आई विल मेक श्योर कि मेरे घर की रूटीन डिस्टर्ब ना हो, तो उसको माइंड में रख के ही मैं अपनी पूरी जो भी प्रिपरेशन है वो करूँगी। तो ये चीज़ स्लाइसेस हैं, 2 तरह के लेके आई हूँ मैं, साथ में बटर लेके आई हूँ, स्प्रिंग रोल शीट्स लेके आई हूँ और दूसरी शीट्स लेके आई हूँ। अभी इसी से मैं सारी अपनी प्रिपरेशन कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। और ये एग्स हैं, तो बस ये सारा सामान था जो कि मैंने अभी ख़रीदा है, इनको सैनिटाइज़ करके इनकी जगह पर रखूँगी और फिर यूज़ करूँगी। तो अभी टाइम है जी नाश्ता करने का और नाश्ते में वही हम लोग अंडा बनाएंगे और ब्रेड होगी और चाय वगैरह होगी, ये हमारा हो जाएगा नाश्ता। सो बेसिक सा हमारा नाश्ता होता है और यही शौक से खाते हैं, वही बना रही हूँ मैं। अंडा ब्रेड होगा, सॉसेजेस हैं वो बॉईल करके मैंने साइड पर रख लिया, उनका मैं अभी पैन फ्राई कर लूँगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं बेकिंग क्यों नहीं करती, मैं बेकिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे घर में कोई भी कुकीज़ और केक के शौकीन नहीं है। मैं खुद बिस्किट्स, कुकीज़, केक्स वगैरह नहीं खाती, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं बना के वेस्ट करना चाहती जो बाद में कोई खाए ना। और आजकल जो हालात चल रहे हैं इन हालात में तो बिल्कुल भी मैं कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगी कि मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कुकिंग करूँ, बेकिंग करूँ सॉरी, और उसके बाद वो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएं। क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा एहतियात की और बहुत ज़्यादा देखभाल कर बजट को और चीज़ों को यूज़ करने का टाइम है। सो सेवरी में जो बेकिंग में चीज़ें आती हैं इंशाल्लाह जो थोड़ी बहुत मुझे आती हैं या अगर मुझे कभी बनानी हुई तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, शायद रमज़ान के व्लॉग्स में शेयर कर दूँ या कमिंग किसी भी डेज़ में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि आई नो बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ी सी बेकिंग भी दिखाऊँ, हालाँकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बेकिंग में लेकिन फिर भी इतनी उम्मीद है कि थोड़ी अच्छी तो कर ही लेती हूँ। तो जो सेवरी में डिशेज़ आती हैं वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मीठे मुझे खुद पसंद नहीं है, शौकीन मैं भी नहीं हूँ तो वो मैं कुछ शेयर नहीं करने वाली। और कुछ चीज़ें आपको बहुत सस्ती मिल जाती हैं मार्केट से तो वो घर पे बनाने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए काफ़ी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मार्केट से अच्छे रेट पर मिल जाती हैं, टाइम भी बच जाता है, तो वो मैं मार्केट से ले आती हूँ। अगर कभी मुझे घर पर लाइक टी पार्टी करनी होती है तो जैसे केक्स हो गए, कुकीज़ हो गए, वो मैं बाहर से ले आती हूँ, मैं खुद से बेकिंग में वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। तो खैर जो मुझे आता है वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ और अपनी बेकिंग स्किल्स भी आपको दिखा दूँगी थोड़ी बहुत जितनी भी मुझे आती हैं। तो बातों बातों में नाश्ता हो गया है रेडी। और ये सॉसेजेस का कोई मुझसे पूछ रहा था, ये हलाल होते हैं, आप लोग इसको खा सकते हैं? कुछ लोग ये समझते हैं कि ये हलाल नहीं है या ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंटरनेट पर जाएँ, काफ़ी कुछ इसके बारे में लिखा होता है, आप लोग पढ़ें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप खाएँ, अगर नहीं तो मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करती कि वो कोई ऐसी चीज़ खाएं जो मैं खाती हूँ, ज़रूरी नहीं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप खाएं। तो नाश्ता हमारा हो गया है रेडी, अब टाइम है नाश्ता करने का, उसके बाद सारी ग्रोसरीज समेटेंगे। इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट कर देती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थ।